So today we have lecture number 26 and it is the first lecture after chapter number 5. Basically today we have two lectures of the chapter number 5 in which today is first lecture and tomorrow we will have second lecture of this chapter in which we will discuss about the complexes and their nomenclature. Regarding today's chapter, we will discuss about the terpenes. Move to next slide. The transition elements, what are D-block elements, and the general characters of D-block elements, and finally we will discuss about the group trends of D-block elements. Sir, please move to next slide. So these are the outlines of today's lecture, in which we will discuss about the introduction of D-block elements, electronic configuration of D-block elements, and general characters of D-block elements along with group trends in first series of D-block elements. So let's start today's lecture from the introduction of D-block element. So please move to next slide. So first we will define the D-block elements, that what are D-block elements. So D-block elements are defined as the elements which contain partially filled d orbitals. These elements are known as D-block elements. Ede kis samajh ekda elements jan ji tawa electronic configuration kayo ae un ja jeke d orbitals hujan we partially filled hujan ta ede kisme de elements ke asan D-block elements kar chunda se. An partially filled ma cha murad a? Partially filled orbitals jo matlab iyo hundo a d orbitals jo त डी ऑर्बिटल में चूंकि अस फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ी आया हूँ चैप्टर नंबर 3 में तो जो डी ऑर्बिटल है उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट थी सकन था मैक्सिमम वो पार्शल जो मतलब है तो डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल के अंदर 10 के अलावा जितना भी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट थन था उन सभी के अस पार्शल डी फील्ड ऑर्बिटल कर चवंदा से मिसाल जकने डी ऑर्बिटल में 1 का उठी करे 9 तक इलेक्ट्रॉन मौजूद आइन त अड़े किस्म के डी ऑर्बिटल के असा चबो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के असा ये डिफाइन कंदासें त अड़े किस्म जा कड़ा एलिमेंट्स जंजे डी ऑर्बिटल और जंजा डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हो जन अड़े किस्म के एलिमेंट्स के चबो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्शली फिल्ड जो मतलब ये होंदा त डी ऑर्बिटल में 1 का वठी 9 तई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जन पर जेकर डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंदा त असा उन एलिमेंट के डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट न चवंदासीं उन्हनि खे वरी असां पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स करे चवंदा आहियूं माना अहिड़े क़िस्म जा कहिड़ा एलिमेंट्स जंहिंजा डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हुजनि कंप्लीटली फिल्ड हुजण जो मुराद इहा आहे त उन्हनि जे डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हुजनि सो अहिड़े क़िस्म जा एलिमेंट्स जंहिंजे डी ऑर्बिटल जे अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूदु हुजनि उन्हनि एलिमेंट्स खे असां पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स करे चवंदासीं पर जंहिं बि एलिमेंट जे डी ऑर्बिटल के अंदर 10 का सिवाय माना 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंदो उन जे डी ऑर्बिटल में त असा अड़े किस्म जे एलिमेंट्स के चवंदासीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो सिंपली डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स व्हिच कंटेन पार्शियली डी फिल्ड ऑर्बिटल्स दीज एलिमेंट्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो केड़ा एग्जांपल आइन डी ब्लॉक एलिमेंट जा उहे असां हिते समुझाइण जी कोशिशि कई आहे त अहिड़े क़िस्म जा एलिमेंट्स जंहिंजा डी ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड हुजनि पार्शियल फिल्ड माना उन में डी में 1 खां वठी 9 ताईं इलेक्ट्रॉन हुजनि 10 न हुजनि कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल न हुजे त उन्हनि खे असां डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स करे चवंदा आहियूं एग्ज़ाम्पल आहे असां वटि स्कैंडियम जो एटॉमिक नंबर 21 इन में इलेक्ट्रॉन 21 आहिनि जंहिंजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 स्कैंडियम जो तव्हां ॾिसंदो आख़िरी ऑर्बिटल डी आहे उन में हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आहे तंहिंजे करे असां हिन खे ट्रांज़िशन एलिमेंट बि करे चई सघूं था या डी ब्लॉक एलिमेंट बि करे चई सघूं था डी ब्लॉक इन जे करे चऊं था छाकाणि त जेको आख़िरी हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आहे उहो डी ऑर्बिटल जे अंदरि मौजूदु आहे तंहिंजे करे असां हिन खे डी ब्लॉक एलिमेंट्स करे चवंदा आहियूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जी ॿी सिंपल डेफिनेशन इहा बि हूंदी आहे त अहिड़े क़िस्म जा एलिमेंट्स जंहिंजो आख़िरी ऑर्बिटल डी हुजे ऐं उहो पार्शली फिल्ड हुजे त उन्हनि एलिमेंट खे असां डी ब्लॉक एलिमेंट करे चवंदासीं जीअं हिते स्कैंडियम जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आहे जो आख़िरी ऑर्बिटल डी आहे 3d आहे या जेको बि आहे डी आहे उन में हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आहे
त असां स्कैंडियम खे डीप ब्लॉक एलिमेंट बि करे चई सघूं था ऐं चइबो बि आहे ऐं हुनखे असां ट्रांज़िशन एलिमेंट बि करे चई सघूं था। सेकेंड असां वटि एग्ज़ाम्पल आहे टाइटेनियम जो एटॉमिक नंबर आहे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। टाइटेनियम जो एटॉमिक नंबर 22 आहे, उन में इलेक्ट्रॉन्स जेके 22 आहे उनजी अरेंजमेंट कुझु अहिड़ी तरीक़े सां आहे। ऐं टाइटेनियम जे तव्हां आख़िरी डी आर्बिटल में ॾिसंदव त 2 इलेक्ट्रॉन आहिनि, तंहिंजे करे टाइटेनियम बि डी ब्लॉक एलिमेंट आहे। वेनेडियम जो एटॉमिक नंबर 23 आहे, हिन में 23 इलेक्ट्रॉन्स आहिनि ऐं इन जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन बि आहे इहा साॻी आहे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, 3d3। इहे वेनेडियम जे आख़िरी आर्बिटल डी आहे, हुन में जेको आहे सो 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूदु आहिनि, तंहिंजे करे वेनेडियम खे बि असां जेको आहे सो डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर कंदासीं। उन खां पोइ क्रोमियम आहे, हुनजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन बि आहे, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हिन में आहे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। इहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आहे क्रोमियम जी। हाणे एक्सेप्शनल केसिस बि आहिनि क्रोमियम ऐं कॉपर जा, उहे बि असां डिस्कस कंदासीं। पर जनरली असां ॻाल्हि कयूं त डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। सो उन्हनि एलिमेंट्स खे असां डी ब्लॉक एलिमेंट करे चवंदासीं। सो सर प्लीज मूव नेक्स्ट स्लाइड। सो हिते ॿिया बि एलिमेंट्स असां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन जे एतबार खां लिखिया आहिनि त जीअं असां आइडेंटिफाई करे सघूं त कहिड़ा एलिमेंट्स जेके आहिनि उहे डी ब्लॉक आहिनि। डी ब्लॉक एलिमेंट जी वॾे में वॾी सुञाणप इहा आहे त हुनजो आख़िरी आर्बिटल डी हूंदो आहे ऐं हुन में हिकु खां वठी करे 9 ताईं इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि। 10 बि थी सघंदा, पर हुन जंहिं बि एटम जे आख़िरी आर्बिटल डी में 10 इलेक्ट्रॉन हूंदा, हुनखे असां पोस्ट ट्रांज़िशन एलिमेंट्स करे चवंदा आहियूं। सो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इहे सभई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहिनि। इन्हनि मां जेको कॉपर ऐं जेको जिंक आहे हुनखे असां पोस्ट ट्रांज़िशन एलिमेंट या असां हुनखे जेको आहे सो पोस्ट ट्रांज़िशन एलिमेंट्स करे चवंदासीं, छाकाणि त हुनजे डी ऑर्बिटल जे अंदरि 10 इलेक्ट्रॉन मौजूदु हूंदा आहिनि। सो इहे असां वटि हिकिड़ा एग्ज़ाम्पल्स हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जा, अहिड़े क़िस्म जा हिकिड़ा एलिमेंट्स जंहिंजी तव्हां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन कयो ऐं उनजा आख़िरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अचनि ऐं उहा डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हुजे। पार्शियली फिल्ड माना हिकु खां वठी करे हुन में 9 इलेक्ट्रॉन मौजूदु हुजनि, त अहिड़े क़िस्म जे एलिमेंट्स खे असां डी ब्लॉक एलिमेंट्स करे चवंदा आहियूं। सो स्कैंडियम खां वठी करे जिंक ताईं एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 21 खां वठी करे 30 ताईं इहे 10 एलिमेंट्स असां लिखिया आहिनि। हिननि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखी आहे छो त असांजे सिलेबस में बि इहे ई जेके एलिमेंट्स आहिनि, पोइ इन्हनि सभिनी एलिमेंट्स खे असां कंसिडर कंदा आहियूं एज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुझु हिकिड़ा स्पेशल केसिस आहिनि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन जा, जंहिंमें सभ खां पहिरियों स्पेशल केस आहे क्रोमियम जो ऐं कॉपर जो। क्रोमियम जी जेका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आहे उनजो एटॉमिक नंबर आहे 24 ऐं क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन्स आहिनि। नॉर्मली जेकॾहिं असां क्रोमियम जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन कयूं था त उहा बीहे थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। छो त 24 इलेक्ट्रॉन आहिनि त आउट ऑफ 24 इन्हनि जी जेका नॉर्मल जेका अरेंजमेंट आहे ऑफ बा प्रिंसिपल जे मुताबिक़ ऐं एन प्लस एल रूल जे मुताबिक़ उहा वञी बीहे थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। माना जेकॾहिं असां ऑफ बा प्रिंसिपल ऐं एन प्लस एल रूल खे फॉलो करे असां क्रोमियम जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन कयूं था त हुनजे डी आर्बिटल जे अंदरि 4 ऐं जेको एस आर्बिटल आहे हुनजे अंदरि 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूदु आहिनि। पर रियल सेंस में जेका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्रोमियम जे हुनजे कंपाउंड्स में ऑब्ज़र्व कई वई आहे उहा आहे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s1, 3d5। मथी जेका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आहे इनमें कॉन्फिगुरेशन आहे क्रोमियम जी, इन में एस 4s2 में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आहिनि ऐं 3d में 4 इलेक्ट्रॉन आहिनि। जॾहिं त जेका ऑब्ज़र्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आहे उन में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आहे ऐं 3d में 5 इलेक्ट्रॉन आहिनि। बेसिकली इहे 6 ई इलेक्ट्रॉन आहिनि जंहिंजी अरेंजमेंट जो फ़र्क़ु आहे। अरेंजमेंट जो फ़र्क़ु इन जे करे आहे त एटम जॾहिं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन पंहिंजे इलेक्ट्रॉन्स खे विराइण जी कोशिशि कंदो आहे त उहो अवेलेबल ऑर्बिटल सां गॾु पंहिंजी स्टेबिलिटी खे बि ॾिसंदो आहे। माना जेकॾहिं 4s2 3d4 कयूं था त इन में एस आर्बिटल त जेको आहे सो स्टेबल आहे, पर डी जेको आर्बिटल आहे उहो स्टेबल कोन्हे को। हाणे स्टेबिलिटी डी आर्बिटल जी कीअं थींदी, हुनजा ॿ तरीक़ा आहिनि।
एकड़ो त डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वह डह की जरूरत है डह ही मौजूद होजन माना डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्ड हुए या उन डह जो हाफ नंबर मौजूद हुए माना हाफ फिल्ड हो जे। सो डी ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो या तो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होजन माना कंप्लीटली फिल्ड हो जे या डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होजन पार्शियली फिल्ड हो जे। हेठी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बो नंबर लिखल है क्रोमियम की इन में एस ऑर्बिटल जो क्रोमियम जो उनमें एकड़ो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अस क्रोमियम की पढ़ू था तो इन में एस ऑर्बिटल भी स्टेबल है डी ऑर्बिटल भी स्टेबल है एस भी हाफ फिल्ड है डी ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है। सो एटम जैसे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कह पा वट तो उनमें एन प्लस एल रूल ऑफ बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उन गुड पे ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के भी ऐसी कर वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कहे अवेलेबल ऑर्बिटल्स में खास तौर से वैलेंस ऑर्बिटल्स उन्होंने। सो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स में जो सब का पे स्पेशल केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो वो है क्रोमियम जो क्रोमियम जो क्रोमियम की जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आफबा प्रिंसिपल के मुताबिक वह नंबर वन है जो तीसी रहा जैमें उनके आखिरी जो एस ऑर्बिटल में ब जो डी ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन जो एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जैसे क्रोमियम की जो ऑब्जर्व या रियल या करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उनमें क्रोमियम के एस ऑर्बिटल में एकड़ो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन जो से अवेलेबल होंगे। हाँ ये छो तो थे यो इन कर एटम जो है सो स्टेबिलिटी ऑर्बिटल हासिल करने लाइ इन इलेक्ट्रॉन की जो है शफलिंग करे तो जितरा भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आन पर सीरीज में स्कैंडियम का वी कर जिंक तीन उन सभी के एस ऑर्बिटल में ब इलेक्ट्रॉन हूँ डी में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हूँ वो डिपेंड करे तो एटॉमिक नंबर केतरो पर क्रोमियम कॉपर ब अड़ा किस्म जहाँ एलिमेंट्स जैसे एस ऑर्बिटल में एकड़ो इलेक्ट्रॉन मौजूद हों योड़ो स्पेशल किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है क्रोमियम कॉपर की अस कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिसूँ था तो वह आफबा प्रिंसिपल के मुताबिक बी ए थी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी नाइन। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एस ऑर्बिटल वट ब इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल नव इलेक्ट्रॉन है पर यह एक रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है छाकाणि त कॉपर की जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो उनके कंपाउंड्स में डिठी वही है वह कुछ है फोर एस वन थ्री डी टेन माना जो वैलेंस ऑर्बिट वैलेंस आखिरी जो ऑर्बिटल कॉपर जहाँ उनमें एस में बिन की जगह से एकड़ो इलेक्ट्रॉन है डी में जो है सो 10 इलेक्ट्रॉन है। सो करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो कॉपर की है वह है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन थ्री डी टेन। सो ये ब अड़े किस्म जहाँ एलिमेंट्स जिनकी जो आफबा प्रिंसिपल के मुताबिक एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वह ना है कुछ स्पेशल किस्म की इन बिन्हीं के एस ऑर्बिटल में एकड़ो इलेक्ट्रॉन है जैसे क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में 5 कॉपर के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। हाँ योड़ो चक्कर एंटी टेस्ट में भी अची चुको है तो कड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पॉसिबल को याद रखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आखिरी ऑर्बिटल हमेशा ब हूँ एकड़ो एस एंड डी एस में ब इलेक्ट्रॉन होजन डी में चार इलेक्ट्रॉन होजन यह पॉसिबिलिटी को उन्हें एस में ब इलेक्ट्रॉन डी में नव इलेक्ट्रॉन होजन यह भी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की डी ब्लॉक एलिमेंट्स कान्हे का पो उन जगह से पॉसिबिलिटी कड़ी है जो कॉपर जो केस है जैमें एस में ब डी में चार इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन पर उन अरेंजमेंट एस में एकड़ो डी में 5 अड़े किस्म की होंगी। कॉपर में दिसो तो एस में ब डी में नव इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेक्टेड होजन खपन उ 11 इलेक्ट्रॉन एस में ब डी में नव इं अरेंज थल न हूँ उदा एस में एकड़ो डी में 10 आन इलेक्ट्रॉन जो तादाद उ पर थोड़ो अरेंजमेंट जो फर्क है एस ऑर्बिटल में डी में जो इलेक्ट्रॉन जो नंबर है वो उनकी अरेंजमेंट है वह चेंज है। हाँ यहाँ कर एटम पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स के एतबार का आखिरी जो ऑर्बिटल्स हूँ उनकी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कह सो कें भी एटम के ट्रांजिशन एलिमेंट के डी ब्लॉक एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिटल एस एंड डी में
एस में ब इलेक्ट्रॉन, डी में चार, ये पॉसिबल ना हैं, एस में ब और डी में नव, यह भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेका है वो पॉसिबल ना ही होंगे। सो ये ब स्पेशल केसेस हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा। इन अलावा बया जितरा भी तह डी ब्लॉक एलिमेंट्स पैं फर्स्ट सीरीज में मौजूद आन उन्होंने में एस में ब डी में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन जन से मौजूद होंगे। सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ कड़े किस्म जहाँ एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल में कड़ा एलिमेंट आज जैसे अस डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर चुका। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यो है अड़े किस्म एलिमेंट्स जो पीरियडिक टेबल के अंदर एस ए पी ब्लॉक के विच में मौजूद होजन अड़े किस्म के एलिमेंट्स के अस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर चाहता हूँ जैमें डी ब्लॉक भी एलिमेंट अची वन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी अची वा। सो असूँ था एस ब्लॉक ए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के विच में जो एलिमेंट्स अचन था उ फर्स्ट बी बी सब ग्रुप वा जो एलिमेंट्स जो पर बी का वी कर अठे बी तई अचन था उनके अस डी ब्लॉक एलिमेंट कर चाहिए जो अस नेक्स्ट स्लाइड में समझाने की कोशिश कई है। सो अड़े किस्म जहाँ बी सब ग्रुप जहाँ जो एलिमेंट्स उन्होंने अस चवंदा तो उ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैमें पहले बी का वी कर अठे बी तेज़ एलिमेंट्स डी ब्लॉक जहाँ एलिमेंट्स एफ ब्लॉक भी एलिमेंट्स कुछ बुक्स लिखन था तो थर्ड बी जो वो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड बी के छे बाकी फर्स्ट बी सेकेंड बी वरी फोर्थ बी थर्ड बी के छे छो तो थर्ड बी जो एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जैसे अस एक्टिनाइट्स ए लेंथेनाइट्स अस सीरीज कर चवंदा आयो। बहरहाल चवण जो मतलब यो त डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसे सब बी सब ग्रुप से वास्तो रखन था। हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट जो चार सीरीजिस होंदी हर सीरीज जो पांजो एकड़ो नालो आ फरी जका सीरीज आ उन जो नालो आ थ्री डी सीरीज जका जिंक स्कैंडियम का वटी कर एटॉमिक नंबर 21 का जिंक एटॉमिक नंबर 30 ताई होंदी आ 10 एलिमेंट्स होंदा उन में। उन्हें सेकंड सीरीज होंगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जहाँ यूट्रियम 39 एटॉमिक नंबर का वी कर कैडमियम 48 तुम में 10 एलिमेंट्स होंगे। वरी थ्री डी सीरीज आ जैके अस फाइव थर्ड सीरीज आ जैके अस फाइव डी सीरीज कर चवंदासी फर्स्ट सीरीज जो नालो है थ्री डी सेकंड सीरीज जो नालो है फोर डी थर्ड सीरीज जो नालो है फाइव डी ए फोर्थ सीरीज जो नालो है सिक्स डी। हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स मौजूद आन हर एक सीरीज मुख्तलिफ़ एलिमेंट का शुरू थी करे बेड़े खास किस्म के एलिमेंट से खत्म थी। सो पहली जो सीरीज आ स्कैंडियम का वी कर जिंक तई आ सेकेंड सीरीज जो यूट्रम का वी कर कैडमियम तई आ जहाँ थर्ड सीरीज आ लॉरेंशियम का वी कर मरकरी तई आ फोर्थ सीरीज आ वह एक्टिनियम का वी कर एटॉमिक नंबर 112 सीएन तई आ। हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स टोटल चार सीरीज आन तेज कर टोटल जो पीरियडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट जो नंबर आ वो जो है 40 आ। तो असो जो बुक है सिंटेक्स बुक बोर्ड उनमें जो है पुरानी जो है फिगर लिखल आ जो फोर्थ सीरीज आ सिक्स डी की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो फोर्थ सीरीज आ जैसे अस सिक्स डी सीरीज कर चाहता इनकम्प्लीट है ये पुरानो बुक लिखल आज कर पुरानी गाल लिखी है पर हिंसर यह सीरीज भी कंप्लीट थी चुकी है इन में 10 एलिमेंट्स तेज कर लिखो तो सिक्स जो सीरीज आ फोर्थ जो सीरीज आ जैसे अस सिक्स डी कर चूं था वह एक्टिनियम का वी कर सीएन एटॉमिक नंबर 112 तई आ उनमें जो है सो 10 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। उन हर सीरीज की वो पी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी है जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ फर्स्ट सीरीज आ डी ब्लॉक एलिमेंट की उनकी जो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 4s2 3d1 का 4s2 3d10 तक जहाँ सेकेंड सीरीज है 4d सीरीज उनमें जो है सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 5s2 4d1 का वी 5s2 4d10 तक। थर्ड जो सीरीज है जैसे अस 5d सीरीज कर चूं था उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ 6s2 5d1 6s2 5d10 उन चौथी इन सीरीज आ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की उनकी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ 7s2 6d1 7s2 6d10। हाँ इनके जो सीरीज के अस नालो दिनों आ ना पहली सीरीज 3d आ पोई सीरीज बो नंबर सीरीज जो है वह 4d सीरीज आ
ट्री सीरीज दिया हुआ, 5D सीरीज आ, एंड फोर्थ सीरीज 6 दिया। बेसिकली ये क्राइड किस्म के एलिमेंट्स हुंदा है ना, जन जो को आखरी ऑर्बिटल आ उन जे डी जे के केड़ो कोएफिशिएंट लिखल आ उन हिसाब समझ नालो आ। 3D सीरीज जो मतलब यो आ त एड़े किस्म जा एलिमेंट्स डी ब्लॉक जा जन जो आखरी ऑर्बिटल त डी हुंदो पर जो कोएफिशिएंट 3 हुंदो या 3D ऑर्बिटल हुंदो। 4D जो सेंस जो यो ही सेंस आ त एड़े किस्म केड़ा एलिमेंट्स जो आखरी ऑर्बिटल डी हुंदो पर वो 4D ऑर्बिटल हुंदो। 3rd सीरीज जो मतलब यो आ त एड़े किस्म केड़ा एलिमेंट्स जो आखरी ऑर्बिटल 5D हुंदो। 4th सीरीज जो 6D सीरीज जो मतलब यो आ त उन जो आखरी ऑर्बिटल जो आ वो डी हुंदो 6D ऑर्बिटल हुंदो। सो सिंपली पीरियडिक टेबल जे अंदर जेके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आन वे आन जेके पहिरियो बी खां वठी करे अठे बी ताईं जेके असां बी सब ग्रुप करे चाहूं था उहे असांजा एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हूंदा आहिनि। इन जूं 4 सीरीज़ हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ी पहिरीं सीरीज़ आहे जंहिंजो नालो आहे 3D, ॿी सीरीज़ आहे 4D, 5D ऐं 6D। हर हिकु सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स आहिनि। सो टोटल नंबर जेको डी ब्लॉक एलिमेंट जो आहे उहो केतिरो आहे, उहो 40 आहे। हर सीरीज हिकिड़े ख़ासि क़िस्म जे एटम खां शुरू थिए थी ऐं ॿिए हिकिड़े एटम ते ख़तम थिए थी। असांखे हर सीरीज़ जी रेंज मालूम यादि करणी आहे त कहिड़ी सीरीज़ किथां खां शुरू ऐं किथे ख़तम थिए थी ऐं हुन में कहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि। ॿी जेका ॻाल्हि यादि करणी आहे उहा इहा आहे त जेतिरा बि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहिनि हर हिकु सीरीज़ में, उन हर सीरीज़ जी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जी रेंज कहिड़ी आहे। सो 3D जी जेका सीरीज़ जी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे उहा आहे 4S2 3D1 खां वठी करे 4S2 3D10 ताईं। सेकेंड सीरीज़ जेका आहे उहा आहे 5S2 4D1 खां 5S2 4D10। जेका 3rd सीरीज़ आहे उहा 6S2 5D1 खां 6S2 5D10 ताईं आहे। जॾहिं त 4th जेका डी ब्लॉक एलिमेंट जी सीरीज़ आहे 7S2 6D1 खां 7S2 6D10 उहा हुन जी जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे। सर प्लीज़ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। So this slide shows the transition elements and ta in me diso tha ta ekdo left hand side of periodic table ji je ke asa s block elements kare chunda hu and we have right hand side of the p periodic table that is known as p block elements. In s and p block elements ta disando ta ekde kism ja ekda jeko yellow color me ite asa show kaya han, these are transition elements. उन खां पोइ स्लाइट जेको लाइट जेको आहे येलो कलर में था, ग्रीन कलर में ॾिसो था ॿ हेट सीरीज़ लिखियल आहिनि, इहे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इहे एफ ऐं जेके येलो कलर जा ऐं ग्रीन कलर में जेके असांखे एलिमेंट्स नज़र अची रहिया आहिनि बेसिकली इहे ट्रांज़िशन एलिमेंट्स आहिनि। ट्रांज़िशन एलिमेंट्स आहिनि जे करे चवंदो आहे छाकाणि त इहे एस ऐं पी ब्लॉक एलिमेंट्स जे विच में अचनि था, तंहिंजे करे असां हिननि खे ट्रांज़िशन एलिमेंट करे चऊं था। हिन जूं प्रॉपर्टीज़ बि एस ऐं पी ब्लॉक एलिमेंट्स जे विच थी हूंदियूं आहिनि। सो मथीं जेका सीरीज़ आहे चैन एलिमेंट्स जी, चैन सीरीज़ जी, हिन में स्कैंडियम खां वठी करे तव्हां लेफ्ट टू राइट वञो जिंक ताईं, युट्रियम खां वञो कैडमियम ताईं, लैंथेनियम खां वञो मर्करी ताईं HG ताईं, ऐं एक्टिनियम खां वठी करे CN ताईं एटॉमिक नंबर 112 ताईं। इहे जेके आहिनि से तव्हां वटि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहिनि। ऐं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जी जेका पहिरीं सीरीज़ आहे उहा स्कैंडियम खां वठी करे जिंक ताईं असां लेफ्ट टू राइट वेंदासीं। पहिरीं पहिरीं जेका तव्हांखे येलो रो नज़र अची रही आहे स्कैंडियम खां वठी करे जिंक ताईं, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐं हिनखे असां 3D सीरीज़ करे चवंदा आहियूं। वरी हिन खां हेठि ईंदो युट्रियम, लेफ्ट टू राइट साॻे तरीक़े सां वेंदासीं कैडमियम ताईं, इहा हिन जी जेका आहे सा उहा सेकेंड सीरीज़ आहे। ऐं उन खां पोइ उनजो नालो आहे 4D सीरीज़। उन खां पोइ ईंदो 3rd ते लैंथेनियम खां वठी करे मर्करी ताईं, ऐं एक्टिनियम खां वठी करे CN 112 एटॉमिक नंबर ताईं। इहे जेके 4 तव्हांखे येलो कलर जूं सीरीज़ नज़र अची रहियूं आहिनि, लाइन्स या रोज नज़र अची रहियूं आहिनि लेफ्ट टू राइट, इहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहिनि। वरी तव्हां बॉटम ते ॾिसंदो पीरियडिक टेबल जे ते त वी हैव ग्रीन कलर जा असां वटि हिकिड़ा कंपाउंड्स एलिमेंट्स मौजूदु आहिनि, उहे ई जेके ग्रीन कलर जा जेके एलिमेंट्स हिते शो थियल आहिनि, दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हिन जूं ॿ सीरीज़ आहिनि, मथीं जेका सीरीज़ आहे इहा बि 14 एलिमेंट्स जी आहे, हेठीं जेका सीरीज़ आहे इहा बि जेका आहे 14 एलिमेंट जी सीरीज़ आहे। मथीं जेका सीरीज़ आहे हिनखे असां लैंथेनाइट्स करे चवंदा आहियूं, ऐं हेठीं जेका सीरीज़ आहे असां हुनखे एक्टिनाइट्स करे चवंदा आहियूं। बेसिकली दे बिलोंग टू 3rd B ग्रुप। सो चवण जो मतिलबु इहो आहे त ट्रांज़िशन एलिमेंट्स उहे आहिनि जेके एस ऐं पी ब्लॉक एलिमेंट्स जे विच में अचनि था, या हिनखे असां पंहिंजी सिंपल लैंग्वेज में मिडिल पोर्शन ऑफ पीरियडिक टेबल बि करे चवंदा आहियूं। छो त पोर्शन जे एतबार खां पीरियडिक टेबल खे असां हीअं विरायो त हिकिड़ो पीरियडिक टेबल जो लेफ्ट हैंड साइड आहे जंहिंखे असां एस ब्लॉक एलिमेंट करे चवंदा आहियूं,
बियो पीरियडिक टेबल जो राइट हैंड साइड है जंगे सा पी ब्लॉक एलिमेंट करे चंदा बियो वरी पीरियडिक टेबल जो मिडिल पोर्शन होदा उन मिडिल पोर्शन में जितरा भी एलिमेंट्स आयन उन के सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स करे चंदा वरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वरी बिन किस्म आ केड़ा एलिमेंट्स आ एकड़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जंगे सा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट करे चंदा बिया वरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होदा जंगे सा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स करे चंदा सो इन चैप्टर जो टाइटल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चार सीरीजस आयन हर सीरीज में 10 एलिमेंट आन जी एटॉमिक नंबर यानी कॉन्फिगुरेशन है सो हर सीरीज जो नालो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन सिलेक्ट पर डिस्कस किया सो इतने पीरियडिक टेबल में समझाने के लिए कड़ा एलिमेंट ट्रांजिशन उनमें कड़ा डी एफ आन वो जो मतलब अस समझाने के लिए यह सिलेक्ट डी सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड So what are the general characteristics of d block elements so d block elements ja general characteristics ye hain ta d block elements jya sa discuss kayo se ta har series mein 10 element hain and total 4 series hain so ikri series mein 10 element hain ta chain series ja jeke elements thanda wo total pan number mein kitra hunda 40 hunda so d block element jo jo number a wo 40 a par ye chai na to sakde छाकाणि त डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी अचन था जंहिंजा आखिरी जेके ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हूंदा आहिनि उनखे असां ट्रांजिशन एलिमेंट्स न बि चवंदा आहियूं पर ही जेके कैरेक्टर्स आहिनि इहे जनरली असां पढ़ूं था हिन में को हार्ड एंड फास्ट जेको आहे सो रूल या रिस्ट्रिक्शन वग़ैरह कान्हे का सो सिंपली हर हिकु सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट जंहिंमें 10 एलिमेंट आहिनि टोटल 4 सीरीज आहिनि सो इन हिसाब सां टोटल 40 एलिमेंट्स आहिनि डी ब्लॉक एलिमेंट जा पी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली they both form ionic and covalent bonds so then jo kyunki asan padhyo se ta d block element jo jeke properties han wo transition hai transition mana kuj s block wara characteristics hai kuj p block wara asan ditho ha to s block wara elements jeke han wo ionic compounds thainda han jane ta p block elements wara jeke atoms han ya elements wo covalent compound thainda han ya covalent molecule thainda han so transition jeke elements han wo vari bai thainda han s block elements jo character ba thas p jo माना आयनिक कंपाउंड्स भी ठाईंदा कोवेलेंट कंपाउंड्स भी ठाईंदा हाँ आयनिक कंपाउंड कदें ठाईंदा कोवेलेंट कदें कंपाउंड ठाईंदा वो डिपेंड करदो आए उन जे ऑक्सीडेशन स्टेट ते जेकडे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आए कें ट्रांजिशन एलिमेंट जो तो वो एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड ठाईंदो लो वो सागो ही एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड ठाईंदो माना उनके लिए कंडीशन एक यो सिंपल क्वेश्चन अचे तो बाबा डी ब्लॉक एलिमेंट्स वे आयनिक कंपाउंड ठाईंदा या कोवेलेंट जो सिंपल आंसर है तो वो बई ठाईंदा आयनिक पे ठाईंदा कोवेलेंट पे हाँ उन कंडीशन है कदें कोवेलेंट कदें आयनिक आयनिक तदें ठाईंदा जैसे उन एलिमेंट्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो लोअर माना प्लस वन या प्लस टू हो पर इन का मथे जो ऑक्सीडेशन स्टेट वे तो कोवेलेंट कंपाउंड ठाईंदा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स वेयर इज transition elements they form ionic compounds in lower oxidation state higher oxidation state mein covalent compound thainda ai lower oxidation state mein ionic compound thainda ai bio you are the transition elements they form colored compounds transition jeke elements han wo hamesha colored compound thainda colored compound jo thainda chakan ta transition elements wat d orbital jeko a wo vacant hundo han जैसे वे बॉन्ड ठाईंदा तो एनर्जी के एतबार का वे बिन हिस्सों में विराज वा एक ई जी हों टी टू जी हों में एनर्जी जो गैप अची वो जैसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व कर कुछ रिफ्लेक्ट कह जो कलर रिफ्लेक्ट कहना ओड़ो ही वो कंपाउंड जो कलर हों सो सिंपल चवण मतलब यो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कलर्ड कंपाउंड ठाईंदा उन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एतबार का असूँ तो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या कंपाउंड नेचर में पैरामैग्नेटिक मोस्ट ऑफ द तकरीबन पैरामैग्नेटिक हूँ कुछ जो डायमैग्नेटिक कुछ फेरोमैग्नेटिक हूँ डायमैग्नेटिक जो स्कैंडियम उनमें को भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं को जितरा भी उनका इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड तेरे स्कैंडियम जो वो तुम डायमैग्नेटिक पर जो उनके आयन की सूरत में ऐसी तो वो वो पैरामैग्नेटिक हों सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के एतबार का पैरामैग्नेटिक भी हूँ कुछ डायमैग्नेटिक भी कुछ फेरोमैग्नेटिक भी फेरोमैग्नेटिक जो एग्जाम्पल कड़ो आयरन कोबाल्ट निकल अस चैप्टर नंबर वन में पढ़ी आयासी त डायमैग्नेटिक चबो आ पैरामैग्नेटिक चबो आ फेरोमैग्नेटिक चबो आ
So deep block elements are mostly compounds and mostly they are paramagnetic. Few are ferromagnetic and rest are diamagnetic. So चैनल कैरेक्टर में सब खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त टोटल जेके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहिनि उहे नंबर में 40 आहिनि. पी ब्लॉक एलिमेंट्स आयन कंपाउंड बि ठाहींदा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड बि ठाहींदा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड बि ठाहींदा ऐं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जेके आहिनि से आयन कंपाउंड बि ठाहींदा. डी ब्लॉक एलिमेंट्स जेके आहिनि से आयन कंपाउंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ठाहींदा, जॾहिं त डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ठाहींदा. उन खां पोइ ट्रांज़िशन एलिमेंट्स जेके आहिनि उहे कलर्ड कंपाउंड्स हूंदा आहिनि डी ब्लॉक एलिमेंट जा, ऐं मोस्टली जेके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे उहे ऐं उन जा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर हूंदा. कुझु जेके आहिनि से फेरोमैग्नेटिक आहिनि, बाक़ी जेके बकाया आहिनि उहे छा आहिनि, उहे डायमैग्नेटिक इन नेचर हूंदा आहिनि. फेरोमैग्नेटिक जो कॉमन जेको एग्ज़ाम्पल आहे उहो आयरन, कोबाल्ट ऐं निकल आहे. सर प्लीज़ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. So, अञा ॿिया जनरल कैरेक्टर्स कहिड़ा आहिनि? डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज़ अ कैटलिस्ट. डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐं उन जा जेके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आहिनि उहे कैटलिस्ट तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि. जीअं आयरन कैटलिस्ट तौरु इस्तेमालु थींदो आहे जेको आहे सो, ऐं उन खां पोइ आयरन इस्तेमालु थींदो आहे सल्फ्यूरिक एसिड जी प्रिपरेशन में, ऐं उन खां पोइ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आहे उहो इस्तेमालु थींदो आहे जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में अमोनिया जी प्रिपरेशन में. सो कैटलिस्ट जेके आहिनि उहे कंहिं बि रिएक्शन जी स्पीड खे वधाईंदा आहिनि. सो ट्रांज़िशन एलिमेंट्स उन्हनि जा मेटल्स पाण ऐं उन्हनि जा कंपाउंड्स कैटलिस्ट तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि. कैटलिस्ट तौरु इन जे करे इस्तेमालु थींदा आहिनि छाकाणि त उहे सर्फेस एरिया हिकिड़ो प्रोवाइड कंदा आहिनि ऐं रिएक्शन जी स्पीड खे वधाईंदा आहिनि. उन खां पोइ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे फॉर्म इंटरस्टिशनल कंपाउंड्स, असां पढ़ी आया आहियूं इंटरस्टिशनल कंपाउंड्स छा हूंदा आहिनि, हाइड्रोजन जे हाइड्राइड्स में पढ़ी आया आहियूं. उन खां पोइ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जेके आहिनि से उन्हनि खे कॉम्प्लेक्स ठाहिण जी हिकिड़ी सलाहियत हूंदी आहे. हाणे कॉम्प्लेक्स छा आहे इहो असांजो नेक्स्ट लेक्चर आहे सुभाणे वारो, जंहिंमें असां कॉम्प्लेक्स जी फॉर्मेशन ऐं उन खां पोइ उनजी नॉमेनक्लेचर खे डिस्कस कंदासीं. पर हिते असां ॿुधाईंदा हलूं सिंपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में त जेके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहिनि उहे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जेके आहिनि उहे ठाहींदा आहिनि. ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर टिपिकल एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ब्रिटल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो इहे सभई जेके हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप टेंस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप टेंस असां एस ब्लॉक एलिमेंट्स जा बि डिस्कस करे आया आहियूं, ग्रुप टेंस असां पी ब्लॉक एलिमेंट जा बि डिस्कस करे आया आहियूं. हींअर असां जेके ग्रुप टेंस डिस्कस कंदासीं डी ब्लॉक एलिमेंट में, उहा उन जेका पहिरीं जेका सीरीज़ आहे उनजी असां कंदासीं. ऐं जेका पहिरीं सीरीज़ आहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जी, उन में ॾह एलिमेंट्स हूंदा आहिनि ऐं उहे स्कैंडियम खां वठी करे जिंक ताईं एटॉमिक नंबर 21 खां वठी करे 30 ताईं उन जा असां जेके आहिनि से ग्रुप टेंस पढ़ंदासीं. हाणे स्कैंडियम खां पोइ जेको आहे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, उन खां पोइ आहे टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, उन खां पोइ आहे वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, उन खां पोइ आहे क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, उन खां पोइ आहे मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, देन आयरन 26, कोबाल्ट 27, ऐं उन खां पोइ क्रोमियम 28, ऐं उन खां पोइ आहे कॉपर 29, ऐं उन खां पोइ आहे जिंक 30. सो इहे 10 एलिमेंट्स आहिनि या फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट करे सघिबो आहे, या हिनखे चइबो आहे फर्स्ट सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या हिन जो नालो आहे 3D सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. असां ग्रुप टेंस इन में ई पढ़ंदासीं छाकाणि त असांजे सिलेबस में इहा ई आहे, पर ॿियूं जेतिरियूं बि असां रोज़ पढ़ंदासीं डी ब्लॉक एलिमेंट जूं उन्हनि सभिनी में इहो साॻियो ई ग्रुप टेंट जेको आहे उहो फॉलो थींदो आहे. सो सभ खां पहिरियों जेको एटॉमिक साइज़ ऐं एटॉमिक रेडियस जो ग्रुप ट्रेंड आहे उन में इहो आहे त जेकॾहिं असां डी ब्लॉक एलिमेंट जी पहिरीं सीरीज़ में लेफ्ट टू राइट मूव कंदासीं, माना स्कैंडियम खां वठी करे जिंक ताईं, स्कैंडियम खां टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, क्रोमियम, कॉपर ऐं जिंक केॾे वेंदासीं त लेफ्ट टू राइट मूव कंदासीं. त हिते तव्हांखे हलो ॻाल्हि ॿुधाईंदा हलूं, जॾहिं असां डी ब्लॉक एलिमेंट जी फर्स्ट सीरीज़ में मूव कंदा आहियूं इन जो मतिलबु इहो आहे त असां पीरियड में मूव था कयूं. असांखे उहे ग्रुप टेंट्स दिमाग़ में रखणा आहिनि जेके असां पी ब्लॉक ऐं एस ब्लॉक में पीरियड्स में डिस्कस कंदासीं. सो सभ खां पहिरियों जेको ग्रुप टेंट आहे फर्स्ट सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में, उहो एटॉमिक साइज़ जो आहे. असांखे ख़बर आहे असांजे जेके प्रीवियस लेक्चर्स आहिनि उनमें बि डिस्कस कयो आहे त जॾहिं असां पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव कंदा आहियूं त एटॉमिक साइज़ जेका आहे या एटॉमिक रेडियस जेको आहे उहो डिक्रीज़ थींदो आहे.
छो तो लेफ्ट टू राइट वेंदा सी तो साइज डिक्रीज थी साइज इन करे डिक्रीज थी तो एटॉमिक नंबर वधंदो आ नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक नंबर वधण से नाइन वधंदा नतीजे में जो एटम आते आखिरी शेल से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वह इंक्रीज थी वी नतीजे में साइज एटम की घट भी वन पे सो फर्स्ट जो सीरीज आ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की उनमें जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कंदे तो एटॉमिक साइज की जो ग्रुप टेंड आ तो साइज जो एलिमेंट्स की वह डिक्रीज थी चौथी डिक्रीज थे छो तो एटॉमिक नंबर तो वे एटॉमिक नंबर से न्यूक्लियर चार्ज भी वे न्यूक्लियर चार्ज वधण से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन आखिरी शेल से वह वे थी नतीजे में वो न्यूक्लियस शेल न्यूक्लियस के वेझो तो अचे एटम की साइज थे इंक्रीज थी थे सो जैसे अस चूँ तो स्कैंडियम की साइज वधिक या जिंक की तो स्कैंडियम की साइज वधिक जिंक की साइज नंबी आकर ये एकड़े ही ग्रुप जहा मेंबर आन एकड़े ही पीरियड जहा मेंबर आन तेरे पीरियड्स में मूव कर साइज एटम की डिक्रीज थी सो वेन यू मूव इन फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड सो अनदर ग्रुप टेंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज आयनाइजेशन पोटेंशियल अस लास्ट जो लेक्चर्स में पी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस कर आया हूँ कि जैसे भी लेफ्ट टू राइट मूव कब पीरियड्स में मूव कब आयनाइजेशन पोटेंशियल सो इत भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जैसे असं पे सीरीज में मूव कूँ फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इन मतलब ये तो असं पीरियड में ही मूव क्यों था सो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पे सीरीज आ स्कैंडियम का वही कर जिंक तीन मूव कंदे लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वह इंक्रीज थी वह चौथी इंक्रीज थे उनका रीजन भी असं पे पढ़ी आया हूँ पर इतने भी डिस्कस कंदी तो लेफ्ट टू राइट मूव करण से न्यूक्लियर चार्ज वधंदी तो न्यूक्लियर से चार्ज न्यूक्लियस से चार्ज वधण से एटम की जो आई पी आधी बो तो साइज घट भी जितनी साइज घट भी ओतरी उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज थी उन्हीं लेफ्ट टू राइट मूव कूँ तो शील्डिंग इफेक्ट घटबो जैसे करे आईपी वैल्यू इंक्रीज थी सो जैसे असं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पे सीरीज में स्कैंडियम का जिंक ताई लेफ्ट टू राइट मूव कंदे तो एलिमेंट जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जा वैल्यू इंक्रीज थी छो तो इंक्रीज थन उनके साइज घटे थी शील्डिंग इफेक्ट घटे थो न्यूक्लियस की चार्ज वे थी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल से वे थी इलेक्ट्रॉन की जो आखिरी इलेक्ट्रॉन की जो बाउंडनेस न्यूक्लियस वे थी नतीजे में आई पी छाती थे इंक्रीज थी से सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड द नेक्स्ट ग्रुप टेंड इन फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाँ जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की उन ग्रुप टेंड यो तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है अस जैसे फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वेंदी तो वह इंक्रीज थी माना स्कैंडियम का जिंक तीन जो अस लेफ्ट टू राइट मूव क्यों तो मेल्टिंग पॉइंट की वह इंक्रीज थी ठीक है मेल्टिंग पॉइंट जो फर्स्ट सीरीज जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वैल्यूज एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पी ब्लॉक एलिमेंट्स का घट हूँ एस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो एलिमेंट्स जो वैल्यूज बॉइलिंग पॉइंट जो वैल्यूज हैं वे जिंक का अलावा जो सभी जहाँ हाई हूँ उनका रीजन यो जिंक के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड हों तेरे मतलब उनकी मेल्टिंग पॉइंट घट बाकी बेन एलिमेंट की ज्यादा होंगी हाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट छो इनके साइज सभी का नंबी आ न्यूक्लियस की जो चार्ज है वह एटम में चाहे वह वे थी तेरे लेफ्ट टू राइट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज थे सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड सो नेक्स्ट जो ग्रुप ट्रेंड है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हों डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हों डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन हों डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होंदा उनडिंग में ब ऑर्बिटल हिस्सो वा एक थ्री डी ए फोर एस बई ऑर्बिटल हिस्सो वा तेरे उनको
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉन्स्टेंट न होंगे वो वेरिएबल होंगे इन पर्यो एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ो उनको पर्य ग्रुप है उनको ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्स्टेंट दैट इज प्लस वन जो बो ग्रुप है बो ए उनको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉन्स्टेंट आतो आ प्लस टू आ सो चवण जो मतलब यो है तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्स्टेंट होंगे जैसे डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्स्टेंट ना ही होंगे इन रीजन कहो रीजन यो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग मेस वा एक थ्री डी बो है फोर एस बई भी वी सनता को भी वी सके तो रीजन बई ऑर्बिटल है सो केर पुछे तो बाबा ऑक्सीडेशन स्टेट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो वेरिएबल वो इन में थ्री डी एंड फोर एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सों वाइन उन थ्री डी एंड फोर एस में जो एनर्जी जो डिफरेंस आको गैप आ वो भी घट आ सो ये इन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड हाँ अस नेक्स्ट स्लाइड में ऐसी तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऐसो तो क्या है सर प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड तो इन जो है सो स्लाइड में तुम दिसंद त ये दह एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्कैंडियम का वही करे जो है सो जिंक ताई इनमें तुम एलिमेंट्स दिसंद त स्कैंडियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आ टाइटेनियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर भी थी सके तो वेनेडियम जो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव आ क्रोमियम जो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स आ मैगनीज जो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर फाइव सिक्स सेवन भी थी सके तो माना मिनिमम जो प्लस वन आ जो मिसाल जो इन केस ऑफ कॉपर आ मैक्सिमम जो वो प्लस सेवन आ जो मैंगनीज जो सो चवण जो मतलब यो है तो इन सभी एलिमेंट्स जहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जहाँ जो ऑक्सीजन स्टेट्स होंगे उ वेरिएबल हों डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट थी सकन था उनको रीजन यो है उनमें एस ऑर्बिटल जो डी ऑर्बिटल आ वे बई बॉन्डिंग में हिस्सों वी सन था उन्हीं बिन्हीं के विच में एनर्जी जो गैप या डिफरेंस घट हों ते दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनके जो उबतड़ वरी असा दिसूं था तो जे एस ब्लॉक एलिमेंट्स उनको ऑक्सीडेशन स्टेट वरी कॉन्स्टेंट हों ठीक सो यो अजकल अज जो लेक्चर जहाँ में अस डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो जनरल डेफिनेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल कैरेक्टर्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट जो सीरीज हुई उनमें अस ग्रुप टेंट पढ़ियासी ग्रुप टेंट पढ़ियोसी अस एटॉमिक साइज जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो सुबह वाले जो लेक्चर थो उनमें अस पढ़ासी तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हूँ उ कॉम्प्लेक्सिस क्या कॉम्प्लेक्सिस कड़े किस्म जो हूँ कॉम्प्लेक्स हों क्या ठहंद आ कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसे कॉम्प्लेक्स ठाईन यो पढ़ासी उनसा गड अस यो पढ़ासी तो कॉम्प्लेक्स के नॉमन कलेक्चर क्या दींदी नॉमन कलेक्चर कॉम्प्लेक्स की क्या है नाला तमाम अहम टॉपिक है सो दोस्तों की गुजारिश है तो वो सुबाने वो जरूर अटेंड कर जितनी भी इंटीटेस्ट थे जो क्वेश्चन सुबाने वाले लेक्चर में जो इंक्लूडेड है टॉपिक उन जरूर क्वेश्चन से अचन था बोर्ड के एग्जाम में भी इंदा गुड इंटीटेस्ट में भी इंदा इन लेक्चर में जै भी स्टूडेंट के जो भी सवाल है असो फेसबुक पेज से कमेंट बॉक्स में असा पुछी सके तो या वो असो व्हाट्सअप जो ग्रुप आ उत भी क्वेश्चन असा पुछी सके तो थैंक यू।